आज सावन पूर्णिमा भी है, यानी आज ही रक्षाबंधन भी है। कई सालों के बाद ऐसा संयोग बना है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। पटना के शिव मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए भक्त काफी उत्साहित दिख रहे हैं। बम बम भोले के नारों से शिवालय गूंज रहे हैं। माहौल पूरा भक्तिमय हो गया है। बम बम भोले के नारों से गूंज उठे हैं सारे शिवालय, और भक्तों की भक्ति से भगवान भी शराबोर हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग वहां जाकर अपने माथे को भगवान के सामने रखकर अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने की इच्छा के साथ सोमवार की कुछ विशेष, मतलब आज सोमवार का पर्व है और सावन भी है, बहुत अच्छा है, और राखी भी है इस दिन, बहुत अच्छा है। शिव जी का पर्व है और शिव जी का सेवा कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। मंदिर बहुत गंदा हो चुका, तो वही से सब साफ सफाई कर रहे हैं। तो आप तो नेचुरली यहाँ रहती नहीं है, इस मंदिर के कुछ है नहीं, फिर भी सफाई में लगी हुई है। बाबा के लिए तो सब कुछ है, टाइम ही टाइम है। कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं के लिए सावन का सुमरी काफी अहम मायने रखता है, उसको किस रूप में देखती है? हाँ, वो तो है, बहुत अच्छा मायने रखता है सच में। किस रूप में? जैसे कि कैसे बताएं। राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। पूरा पहाड़ी मंदिर भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा है। बाबा पर जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। सकते हैं आज एक सुखद संयोग है कि रक्षाबंधन और जो अंतिम सोमवारी है, पांचवा सोमवारी एक साथ है, और यही वजह है कि इस बार हर एक शिवालय में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। इस वक्त हम रांची के जो पहाड़ी मंदिर है वहां पे खड़े हैं, और आप देख सकते हैं पहाड़ी मंदिर का दृश्य है। ये मुख्य द्वार है, और यहाँ से जो श्रद्धालु है सीढ़ियों के सहारे बाबा के जलाभिषेक के लिए पहाड़ पे जाते हैं। हालांकि 300 से ऊपर सीढ़ियां हैं जिसका सफर तय करके शिवलिंग तक लोग पहुंचते हैं और बाबा को जलाभिषेक करते हैं। दूसरी ओर आपको दिखलाना चाहेंगे पहाड़ी मंदिर तक पहुंचने के जितने भी रास्ते हैं, आप देख सकते हैं काफी भीड़ भरा है, और काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वे यहाँ पे पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे कई ऐसे संस्था के लोग हैं जो कहीं ना कहीं बाबा के जो श्रद्धालु हैं उनकी सेवा के लिए यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, और फ्री सेवा कर सकते हैं उनके द्वारा। हर एक साल यहाँ पे लगाया जाता है, आप देख सकते हैं प्रसाद के तौर पर जो बूंदिया है, बिस्किट है, उसका वितरण अन्नपूर्णा देवी संस्थान के द्वारा पिछले 12 सालों से यहाँ पे करते आ रहे हैं, और सभी श्रद्धालु जो है यहाँ इन प्रसाद को ग्रहण भी कर रहे हैं। अब सीधे लिए चलते हैं हम बाबा के दर्शन के लिए, और लोगों को भी अपने चैनल के माध्यम से बाबा भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं। यह मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से होते हुए जितने लोग हैं श्रद्धालु जो यहाँ पहुँच रहे हैं वे इसी रास्ते से अंदर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश के लिए अलग से रास्ते बनाए गए हैं। वहीं निकासी के लिए एक अलग रास्ता बनाया गया है, क्योंकि सुबह 4 बजे से ही जो पट है वह खुल गया है, और उसके बाद कहीं श्रद्धालु की जो भीड़ है वह उमड़ी है यहाँ पे, और बाबा भोलेनाथ यानी जो शिवलिंग है वहाँ पे लोग जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यदि इस पांचवें सावन की बात की जाए तो आज पांचवा सोमवारी है और अंतिम सोमवारी कह सकते हैं, और एक सुखद संयोग राखी का भी जो पर्व है वो आज के दिन ही पड़ रहा है। आप देख सकते हैं शिवालय यानी बाबा भोलेनाथ जो शिवलिंग है वहां पे लोग जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। सीवान में भी सभी शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शहर के महादेवा पंचमुखी शिव मंदिर में भी काफी तादाद में भक्त बाबा पर जलाभिषेक कर रहे हैं। भक्त सुबह से मंदिर पहुंच रहे हैं।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के नारों से आज जो है कि हर मंदिर में गूंज उठी है। दरअसल आज सावन का अंतिम सोमवारी है और आज के दिन रक्षाबंधन भी है। एक अच्छा मुहूर्त हुआ है और ऐसे में तमाम जो शिवालय है वहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस वक्त हम सिवान शहर के महादेवा पचमुखी शिव मंदिर में हैं, जहाँ का नज़ारा एक बार आपको दिखा देते हैं। ठीक मेरे पीछे देखिए किस तरह यहाँ पे जो है कि पहले सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और बाबा से अपनी अपनी मन की मुरादें भी मांग रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स है राजन जी, लगातार कई वर्षों से इस मंदिर में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और इस मंदिर के लिए सेवा कर रहे हैं। इस वार्ड के जो वार्ड है, इस वार्ड के एक सदस्य के रूप में, एक बेहतर सदस्य के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में ये काम भी करते रहे इस मंदिर के लिए। 99% है लोग का। अब 3 बजे से भोर से भीड़ है, कुछ भीड़ राखी बंधन के चलते कुछ 19 है। ऐसे यहाँ पर कोई कमी नहीं है। यहाँ प्रसाद के वितरण किया गया है 24 घंटा का, और उसके बाद प्रोग्राम रात में है। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बिल्कुल। देखिए सब कुछ बेहतर है। बाबा का जलाभिषेक करने के लिए तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर एक और शख्स हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। सर, बाबा का दर्शन करने पहुँचे, जलाभिषेक किए, क्या कहेंगे आज? जी, ये तो हिंदू धर्म के लिए सौभाग्य का दिन है, जो अंतिम सुमारी है और रक्षाबंधन भी है। हम तो यही कहेंगे जो लोगों से जो तन मन धन से जल अर्पण करने के बाद से अपना आगे का काम, रक्षाबंधन का काम करें। और ये मेरे विश्वास है कि लोग ऐसा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आज अंतिम सोमवारी के दिन श्रद्धालुओं की अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि मनोकामना पूर्ण होता है, तो हम एक एक तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम लोग जो है कि यहाँ पहुँचे हुए हैं, और सुरक्षा की भी बात की जाए तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ अगर बात कर ले तो बाबा के ऊपर जलाभिषेक करने के लिए जो जिला प्रशासन की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं भी मुकम्मल की गई है कि कहीं से किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सजग है। कैमरामैन नितिन कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज़, सीवन। उत्तरायणी गंगा तट पर बसे उमानाथ धाम में सावन की आखिरी सोमवारी पर 50,000 श्रद्धालुओं ने बाबा भोले पर जलाभिषेक किया है। देर रात से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूरा मंदिर परिसर बम बम भोले के नारों से गूंज रहा है। बहुत सुंदर व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और मतलब बाबा भोले का आज समझिए कि लास्ट सोमवारी है, बहुत अच्छा है। स्वर्ग को और क्या कह सकते हैं। और बाबा भोले नाथों के नाथ हैं, ये तो महादेव खुद है, ये तो अपने जगत के भगवान हैं। वो क्या हम उनके बारे में क्या मांगे हैं आखिरी सोमवारी पर बाबा से? सुख शांति, सब देश का शांत हो, सब जगह बढ़िया रहो, हिंदुओं का कल्याण हो, सनातन धर्म का कल्याण हो। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम अपने आप में इतिहास के कई पृष्ठों को संजय हुए है। ये पवित्र तीर्थस्थल सतयुग और त्रेता युग दोनों का प्रतीक माना जाता है। सतयुग में माता सती का हृदय गिरा था और उसी स्थान पर त्रेता युग में ज्योतिर्लिंग स्थापित की गई थी। वैसे तो बाबा मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा 22 मंदिर हैं। इसी में से पार्वती मंदिर के बगल में स्थित है वीणाधर महादेव, जहां महादेव की वीणा बजाते हुए विग्रह स्थापित है। बाबा धाम के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित पंडित दुर्लभ मिश्रा के अनुसार महादेव स्वर और सुर के स्वामी हैं और ऐसा शिव विग्रह कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए इस मंदिर में ऐसे ऐसे विग्रह हैं जो आपको बहुत ही आश्चर्य लगेगा। आप अगर लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए तो वहां का विग्रह अलग है, आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा वह विग्रह, जो विग्रह लक्ष्मी नारायण का है। उसी प्रकार एक विग्रह और भी है यहाँ, जो कि महादेव का, महादेव स्वर के और सुर के स्वामी है। संगीतकार जानते होंगे कि बिना महादेव का स्वर सुर नहीं होता है।